खैरपुर मीरस में जलसा था, बयान के बाद एक गैर मुकल्लद आया, गैर मुकल्लद कह दो, अहले हदीस कह लो, वहाबी कह लो, ला मजहब कह लो, जो भी लफ्ज कह लो, वो आया कि मुझे वो कहने लगा कि मौलाना साहब आप बताओ इमाम की तकलीद वाजिब है। मैंने कहा बिल्कुल वाजिब है। कहते तकलीद न करो। मैंने कहा गुनाह होता है। तो मुझे कहते इमाम अबू हनीफा किसके मुकल्लद है? मैंने कहा किसी के भी नहीं है। कहते फिर वो गुनाहगार नहीं है? मैंने कहा मुकल्लद भी नहीं गुनाहगार भी नहीं है। मुझे कहता जी क्यों? मैंने कहा एक बात मैं पूछता हूँ, तो बता हर इंसान पे नबी का कलमा पढ़ना फर्ज है? कहता है जी हाँ। मैंने कहा ये बता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान कामिल है, इनने किस नबी का कलमा पढ़ा? कहता जी वो तो खुद नबी है, किसी और का कलमा क्यों पढ़ेंगे? मैंने कहा अच्छा ये बता बाजमात नमाज पढ़ना? कहता जी बिल्कुल जरूरी है। मैंने कहा बाजमात नमाज का माना क्या है? कहते चंद लोग इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े। मैंने कहा फिर तुम अहले हदीस बाजमात पढ़ते हो, तुम्हारा मौलवी बेजमात पढ़ता है क्योंकि तुम तो इमाम के पीछे हो। वो किस इमाम के पीछे है? कहते जी वो तो खुद इमाम है। मैंने कहा फिर बात समझ आ गई, हर इंसान पे नबी का कलमा पढ़ना फर्ज है, अल्लाह के नबी किसी का कलमा नहीं पढ़ते क्योंकि वो तो खुद नबी है। बाजमात नमाज जरूरी है, लेकिन इमाम किसी के पीछे खड़ा नहीं होता, वो तो खुद इमाम है। तो हर मुज्तहिद की तकलीद करना वाजिब है। इमाम अबू हनीफा नहीं करते क्योंकि वो खुद इमाम है, वो क्यों तकलीद करेंगे? कहता है इमाम शाफी इमाम मालिक अहमद भी इमाम है, तो उनकी तकलीद नहीं करते, इनकी करते हो। मैंने कहा खैरपुर मीरस में मस्जिदें और भी थी, वो मस्जिदें छोड़ के तो यहाँ जुमे के लिए क्यों आया है? कहता है वो मस्जिदें छोटी हैं और ये मस्जिद बड़ी है। मैंने कहा इमाम शाफी इमाम मालिक छोटे हैं, इमाम हनीफा बड़े हैं। मुझे कहने लगा जी आप दलील नहीं देते मिसाल देते हैं। मैंने कहा तेरा मौलवी आएगा तो दलील दूंगा, तो जैसा जाहिल आएगा तो मिसाल दूंगा। मौलवी को दलील देते हैं, आपको नहीं कहता, मौलवी को दलील देते हैं और गैर मौलवी को मिसाल देते हैं। किसको? गैर मौलवी को। जाहिल कहूंगा तुमने रूठ जाना है ना। हम जाहिल कहते हैं भाई उलमा को दलील देते हैं और गैर उलमा को मिसाल देते हैं।